जयपुर कमिश्नरेट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी में एक बार फिर से क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत करीब 4 दर्जन जगहों पर छापा मारा गया। कमिश्नरेट के चारों जिलों में यह ऑपरेशन चला। भारी मात्रा में गांजा, स्मैक, चरस समेत मादक पदार्थों का जखीरा बरामद किया गया। क्राइम ब्रांच टीम ने करीब 3 दर्जन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में महिलाएं भी शामिल हैं। लग्जरी गाड़ी समेत भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। मादक तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन सामने आया है। करीब 4 दर्जन जगहों पर छापा मारा गया है, जिसमें कई चीजें यहां पर बरामद की गई हैं। करीब 3 दर्जन तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें कई महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। जयपुर कमिश्नरेट से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां पर चार दर्जन जगहों पर छापा मारा गया। राजधानी में एक बार फिर से क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन सामने आया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत करीब 4 दर्जन जगहों पर छापा मारा गया। कमिश्नरेट के चारों जिलों में ये ऑपरेशन चलाया गया और यहां पर भारी मात्रा में गांजा, स्मैक, चरस समेत मादक पदार्थों का जखीरा बरामद किया गया। क्राइम ब्रांच टीम ने करीब 3 दर्जन तस्करों को गिरफ्तार यहां पर किया। और ज्यादा जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यादवेंद्र, बताएं, क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन सामने आया है। बिल्कुल अवीना, ताजा अपडेट ये है कि पूरी रात था ये जो ऑपरेशन चल रहा था और करीब 25 से ज्यादा जो टीमें थी यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट में बनाई गई थी। जो CIG जो टीम थी उनको अलग अलग टास्क दिया गया था, उनको चारों जिलों में भेजा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और यहाँ पर पूरी देर रात ही 12 बजे योजना बना करके और जो 25 टीमों ने एक साथ यहाँ पर तमाम ठिकानों पर जो पहले से ही जो उन्होंने इनको सर्च कर लिया था उन ठिकानों पर दबिश दी और वहां से भारी मात्रा में चरस, स्मैक, गांजा समेत अवैध मात्रा में यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर शराब बरामद की है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की CIU टीम ने जो चारों जिलों की जो टीम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनकी तमाम जो पुलिस थी उसने करीब यहाँ पर 3 दर्जन से ज्यादा जो मादक पदार्थों की जो तस्करी कर रहे थे उन बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। एक खास बात यह है कि रवीना, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर जो तस्कर पकड़े गए उनमें महिलाएं भी शामिल हैं जो दूसरे शहर से ला करके यहाँ पर जो मादक पदार्थ की तस्करी करी थी। चूंकि बीते दिनों जिस तरीके से महिलाओं की भूमिका सामने आई थी, लगातार जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा था कमिश्नरेट का, उसके तहत जो महिलाएं सामने आई थी उनकी पूछताछ के बाद ये सारा जो रैकेट था वो उनका जो नेटवर्क बना हुआ था उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर है अशोक कुमार गुप्ता वो पूरे मामले में कुछ देर बाद खुलासा करेंगे और सामने आएगा कि कितनी मात्रा में ये अवैध शराब है ये और जो मादक पदार्थ है, जो गांजा हुआ, चाहे चरस हुआ, चाहे इसमें कोई वो बरामद किए, इन सब चीजों के बाद कुछ देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।